Now we will discuss about the disease caused by fungi. Fungi से disease होती है, इसको हम बोलते हैं ringworm. The disease caused by fungi is referred as ringworm. Ringworm का एक दूसरा भी नाम है जिसको हम बोलते हैं tinea और tinea. यहाँ पर जो pathogens हैं, यहाँ पर तीन टाइप के पैथोजेनिक फंगाई होती है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है. पैथोजेन के नाम है ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइकोस्पोरम. दिस आर द थ्री पैथोजेन बाय विच दिस डिजीज कैन गेट स्प्रेड. तो तीन टाइप के फंगस होते हैं जिससे ये डिजीज होती है. ट्राइकोफाइटन, यहाँ पर एन आएगा, एपिडर्मोफाइटन एंड माइकोस्पोरम. यहाँ पर जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो दिस टाइप ऑफ फंगस कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से एक्वायर हो सकता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन fungus can be acquired from soil. Next is it can be also acquired from by using the towels, clothes or comb of infectious person. जिसको ये हुआ है उसका अगर हम comb, cloth, towel use करते हैं तो भी ये हो सकता है. And by using towels, cloth and combs of infectious person, this disease is spread or transmitted. Now talking about the pathogen जो है उससे कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो सिम्टम्स में जो सबसे पहला है वो है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स, ड्राई घाव जैसा दिखता है हमें, और उसके साथ एकम्पनी होता है इंटेंस इचिंग. इचिंग बहुत होता है जिससे हमको बार बार वहाँ पर रब करने का जो फीलिंग आता है. तो ओवर हियर इट इज अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स, घाव जैसा दिखता है पर एकदम ड्राई होता है. तो अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स एंड ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक नेल्स, स्केल्प, ग्रॉइन, जैसे वेरियस रीजन्स पे ऐसा दिखता है, राइट. उसके बाद इट इज एकम्पनीड बाय, एकम्पनीड बाय इंटेंस ईचिंग, ओके. यहां पर बहुत ही खुजली होती है. नाउ इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर कि ये फंगस कैसे ग्रो करता है, तो कोई भी फंगस हो उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर एंड हीट. एंड दैट इज अवेलेबल इन द रीजन्स लाइक बिटवीन द टू लेग्स, दैट इज ग्रोइन एंड एज वेल एज बिटवीन द टोज. ये ऐसे रीजन्स है वहाँ पर ऑलमोस्ट हीट एंड मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पर ये फंगस ईजिली ग्रो कर सकते हैं. तो मॉइस्चर एंड हीट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ फंगाई, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ फंगाई. और ऐसे रीजन्स कहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर मॉइस्चर एंड हीट होगा, तो ये हमको मिलेगा बिटवीन द टोज, बिटवीन टोज दैट इज ग्रोइंग रीजन एंड, सॉरी बिटवीन लेग्स दैट इज
ग्रोइन रीजन एंड बिटवीन टोज। तो ये जो रीजन्स हैं वहाँ पर हमको ज़्यादातर मॉइस्चर एंड हीट होता है, तो इसलिए वहाँ पर फंगल अटैक भी ज़्यादा रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सम कॉमन रिंगवॉर्म्स, कॉमन रिंगवॉर्म कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर जो बोलेंगे कॉमन रिंगवॉर्म्स उसमें सबसे पहला है टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस जिसको हम बोलते हैं एथलीट्स फुट, दिस इज द रिंगवॉर्म ऑफ फुट। कहाँ पर होता है ये रिंगवॉर्म ऑफ फुट, राइट, दिस इज एथलीट्स फुट। सेकेंड इज टीनिया क्रूरी, टीनिया क्रूरी कहाँ पर होता है, तो ऐसे दिस टाइप ऑफ रिंगवॉर्म इज फाउंड इन ग्रोइन रीजन, कहाँ पर ग्रोइन रीजन। उसके बाद थर्ड टाइप जो है उसको हम बोलेंगे टीनिया बार्बी, टीनिया बार्बी इज फाउंड इन द बियर्डेड एरिया ऑफ फेस एंड नेक, तो यहाँ पर बियर्डेड एरिया ऑफ फेस एंड नेक। एंड फोर्थ वन इज टीनिया कैपिटाइटिस, दिस इज फाउंड इन स्काल्प ऑफ हेड, स्काल्प ऑफ हेड में जो रिंगवॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं टीनिया कैपिटाइटिस। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट, टॉकिंग अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ दिस रिंगवॉर्म इज मेकेनिजोल दिया जाता है टॉपिकली, उस पर क्रीम जो लगाई जाती है उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो मेकेनिजोल टॉपिकली इसको दिया जाता है, एंड एक ओरली भी दिया जाता है ग्रिजियो फुलविन ड्रग इज गिवन ओरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। So this is about the disease caused by fungi. Thank you. चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोई डिजीज को, या फिर कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर पांच पॉइंट्स हैं जिसमें से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो सबसे पहला है कि पर्सनल हाइजीन, प्रिवेंटिव मेजर्स में फर्स्ट वन है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में क्या आएगा, पर्सनल हाइजीन में हमको पूरा हमारा बॉडी क्लीन रखना है। उसके बाद जो हम वाटर फूड वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो हम कंजम्पशन करने वाले हैं दैट शुड बी आल्सो क्लीन। एंड नेक्स्ट इज थर्ड जो है, पहला हमने बताया कि बॉडी को पूरा क्लीन रखना है, सेकेंड इज कंजप्शन ऑफ क्लीन वाटर फूड फ्रूट्स वेजिटेबल एक्सेट्रा, वो क्लीन होना चाहिए। थर्ड जो है वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, प्रॉपर उसका डिस्पोजल होना चाहिए, नहीं तो ये गंदगी फैलाएगा और फिर उसके बाद उसमें से ही डिजीज होती है, क्योंकि पैथोजन वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। दिस आर द बेसिक थिंग्स बाय विच वी कैन मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। उसके बाद जो है दैट इज आल्सो इंक्लूडिंग पब्लिक हाइजीन, पर्सनल और पब्लिक हाइजीन दोनों को हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो जहाँ पर वाटर जो कलेक्ट होता है वो टैंक्स पूल्स वो सब रिजर्वायर को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, जिससे कि अंदर लार्वा और पैथोजन ग्रो ना कर सके। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट इज ऑफ अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन हैविंग एयरबॉर्न डिजीज, हैविंग एयरबॉर्न डिजीज, जैसे कि
एयरबोर्न डिजीजेस का हमने डिस्कशन किया है, जैसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है, न्यूमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ये सब एयरबोर्न डिजीजेज है। इसका इसका स्प्रेड हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें वी शुड नॉट हैव अ कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको ये डिजीज हुआ है उससे बहुत कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हम इससे बच सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जिसके अंदर वेक्टर्स रहते हैं। सर्टेन डिजीज आर स्प्रेड बाय वेक्टर्स लाइक मॉस्किटो। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया है, फिलेरियासिस है, मलेरिया एंड फिलेरियासिस। दिस डिजीजेज आर स्प्रेड बाय वेक्टर्स। तो हमको वेक्टर्स का एलिमिनेशन करना चाहिए। जहां पर ये वेक्टर्स ग्रो कर सकते हैं वो जगह पर रेगुलरली क्लीनिंग होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो अवॉइड स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। जहां पर मॉस्किटो लार्वा पाए जाते हैं वो स्टेग्नेशन, जहां पर पानी भर जाता है ड्यू टू रेन, ड्यू टू सर्टेन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम हाउस होल्ड पर्पजेस, तो जहां पर पानी भरता है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, स्टेग्नेशन होने नहीं देना चाहिए। उसके बाद वी कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ फिश कॉल्ड एज गैम्ब्यूजिया। ये आप बहुत नोट डाउन करिए, ये है एक फिश गैम्ब्यूजिया विच फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा। तो ये फिश अगर हमने वाटर बॉडीज में इंट्रोड्यूस किया तो ये पूरा मॉस्किटो लार्वा को फीड करेगा, और वहाँ से भी हम वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि घर में भी कोई कोई जगह पर पानी भर जाए, जैसे कूलर्स में भी पानी रहता है, तो उसको भी रेगुलरली क्लीन करना चाहिए, तो ये डिजीजेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज वैक्सीन। By invention of vaccine, we have been able to control many diseases, और smallpox जैसी diseases जो है ये MCQ में आ सकता है कि कौन सी disease completely eradicate हो चुकी है, completely remove हो चुकी है, वो है smallpox, जिसे which is completely eradicated. And we have also controlled many diseases like polio, diphtheria, फिर tetanus, जैसी diseases को हमने काफी हद तक control कर लिया है। इसके बाद जो है last point इसमें आएगा antibiotics and drugs. एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स इन्वेंट हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, जिससे कि बहुत सारी डिजीजेस का क्योर हमको मिल चुका है, और इससे भी कंट्रोल हो चुकी है कितनी सारी डिजीजेस। एंड एंटीबायोटिक्स का हमने पूरा डिस्क्रिप्शन समझा है, क्योंकि हर एक डिजीज में ट्रीटमेंट भी हमने लिया था, जिससे मालूम पड़ सके कि कोई कोई डिजीज में वैक्सीन अवेलेबल रहती है, कोई कोई डिजीज के अंदर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल रहती है, जिससे प्रिवेंट एंड कंट्रोल हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रिवेंटिव मेजर्स एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस। थैंक यू।